तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में तो यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं जिसमें हमने बात की है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की। तो यह हमारा एम्ब्रियो सैक जो अभी हमने सीखा है जिसमें ग्रीन कलर का सेल जो है ये है एग सेल। इसके आसपास जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ऊपर वाली जो तीन सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स और बीच में हमें मिलते हैं दो पोलर न्यूक्लिया है। तो अब जब हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं तो ये ऐसा सा कुछ दिख रहा है जिसमें हम बात करें येलो कलर की पोलन ट्यूब आ रही है और ये अंदर की तरफ एंटर कर रही है। इस पोलन ट्यूब के अंदर आपको दो मेल गेमीट्स दिख रहे हैं जिसमें से एक मेल गेमीट हमारा फ्यूज हो रहा है एग सेल के साथ जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा था और एक मेल गेमीट जाके फ्यूज होता है हमारे इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो हमने बोला कि देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स या मेल गेमिट्स जो कि पोलन ट्यूब के अंदर आ रहे हैं। फाइनली फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक हमारा मेल गेमिट है वो फ्यूज होता है और बनाता है जाइगोट और जो दूसरा मेल गेमिट है वो फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और वो बनाता है एंडोस्पर्म। तो जो प्लॉयडी लेवल होता है एंडोस्पर्म का वो होता है 3N और जो जाइगोट है उसका प्लॉयडी लेवल होता है 2N और इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वन स्पर्म सेल यानी यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा इट फ्यूजेस विद द एग और इसको हमने बोला सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन और इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है जाइगोट जो कि डिप्लॉयड स्टेट का है। दूसरा हम बोल रहे हैं सेकेंड स्पर्म सेल जैसे कि ये वाला था, ये सेकेंड स्पर्म सेल फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लिया, इसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे एक हमारा ये वाला मेल गेमिट और दूसरा ये दो पोलर न्यूक्लिया, तीनों चीज़ें फ्यूज होंगी तो ट्रिपल फ्यूजन और इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो ओवरी है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में और जो अल्टीमेटली हम बात करें आगे जो जाइगोट है इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विथ वन और टू कॉटिलेडन्स एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। तो जो जाइगोट है वो आगे डेफिनेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उसके आसपास एक या दो कॉटिलेडन्स होते हैं और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें एक एनाटॉमी की, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एक ग्रेन का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये उसके हेयर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर एक कवरिंग है जिसे हम ब्रैन बोलते हैं, यहाँ पर एक आपको जर्म दिख रहा है और अल्टीमेटली इसके आसपास मिल रहा है एंडोस्पर्म और ये जर्म इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बनाता है हमारा एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉयड स्टेट का होता है और ये अल्टीमेटली नरिशमेंट देता है हमारे इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो जो एम्ब्रियो है ये नरिशमेंट या न्यूट्रिशन लेता जाता है इस एंडोस्पर्म से जो कि डेवलप हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की मदद से। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल की फॉर्म में समझने की, तो यहाँ पर हम एक की देख रहे हैं कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हैप्लॉइड स्टेट शो कर रहा है और उसके बाद जो पूरा ये ब्राउन वाला पार्ट है वो डिप्लॉइड स्टेट को शो कर रहा है। तो बच्चों चलते हैं इस लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है हमारा एंथर जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एक जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब आपको दिखाई गई है। तो ये जो पोलन ग्रीन यहाँ पे लैंड करता है जो एंथर से आता है ये जर्मिनेट होता है और ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है और ये अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये आपको येलो कलर की पोलन ट्यूब दिख रही है जो अंदर स्टिग्मा के अंदर स्टाइल के थ्रू होते हुए जा रही है। इसके बाद ये है हमारा पूरा ओवरी वाला पार्ट, ओवरी के अंदर हमें दिख रहा है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट की। तो ये सारी जो कंडीशंस हमने देखी ये सारे हमारे हैप्लॉइड स्टेट में है। इसके अंदर हम बात करें ओव्यूल के अंदर है हमारा एग जो कि हैप्लॉइड स्टेट का है और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्पर्म जो कि ये जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब के साथ अंदर गया हुआ है। तो स्पर्म और एग के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, जिससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारा जाइगोट जो कि डिप्लॉइड स्टेट का होता है। जाइगोट फिर आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर जो कि एक्चुअल में स्पोरोफाइट होता है। फिर हम बात करें ये एम्ब्रियो आगे जाके
डेवलप हो रहा है एक सिंपल फ्रूट की फॉर्म में, यानी जो ओवरी है वो फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाती है सीड की फॉर्म में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये सीड आपको दिख रहा है तो फ्रूट से अल्टीमेटली हम सीड की बात करते हैं। ये सीड जैसे ही सॉइल में जाता है ये धीरे धीरे डेवलप होता है, यानी ये जर्मिनेट होता है और ये जर्मिनेटिंग सीड एट लास्ट अल्टीमेटली हमारा पूरा एक न्यू प्लांट डेवलप कर देती है। तो अल्टीमेटली जो हमारा ये जर्मिनेटिंग सीड है ये डेवलप हो रही है और ये बना रही है एक मैच्योर स्पोरोफाइट या कंप्लीट न्यू प्लांट जो कि डिप्लॉयड स्टेट का है।